Good morning, everyone. I hope you all are fine at your home. Okay, today we will start one new lesson in Honeycomb, the ashes that made trees bloom. Ashes means raak. Wo raak jo trees ko khila deti hai. Kaise khilati hai? What is the story behind it? We will go through when we'll read the story. And one more thing, as you know that this lesson is pretty big. थोड़ा सा बड़ा है. सो वॉट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस लेसन इन टू टू पार्ट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये कहानी है एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बूढ़े कपल की और उनके पालतू कुत्ते की. ओके, द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. उनके जो पड़ोसी होते हैं वो तंग करने वाले होते हैं, अच्छे नहीं होते, और इसी कारण की वजह से उनका जो डॉग होता है मुको, उसकी एक सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो डॉग की जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो अपने मालिक को कैसे सोलेस यानी कि आराम और सपोर्ट कैसे करती है मरने के बाद भी, we will go through in this lesson. So now let us start. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Kitne purane old days mein, daimyos means jab wahan ke logo jo the wo land owners the, kafi rich the, usi time par ek old couple rehta tha aur unka ek paltu उनके पेट भी था डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. कहते हैं उनके कोई बेबी नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मीन टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज एनी कैट. यानी कि जो ओल्ड डेम थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसने मुको के लिए, डॉग के लिए एक कुशन बनाया था ब्लू क्रेप कलर का. उस पे वो क्या करता था, मुको खाने के टाइम कंफर्टेबली आके बैठता था और बहुत ही कंफर्टेबल उसको उस पे लगता था. द काइंड पीपल फेड द पेट्स विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दे ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड. और वो जो ओल्ड कपल थे वो क्या करते थे, अपनी ही चॉपस्टिक से उस डॉग को छोटी छोटी फिश खिलाते थे, उबले हुए चावल खिलाते थे. ओके, जस्ट ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बींग विद अ सोल. और वो ना एक अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे, उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच थे मुको से. नाउ द ओल्ड मैन, जो ओल्ड आदमी था वो था राइस फार्मर, और वो डेली खेत में जाता था काम करने के लिए, और जो मुको था वो उसके पीछे पीछे खेत में उसके साथ जाया करता था. सो द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पेड. हो क्या होता है या स्पेड क्या होता है, स्पेड वो होती है जिससे आप मिट्टी खोदते हो, यानी कि मिट्टी खोदने का एक टूल होता है, उसको हम स्पेड बोलते हैं. मिट्टी खोद के उसमें चावल उगाए जाते हैं. वो सुबह निकलता था और शाम तक वो वापस आता था. ठीक है, एवरी वे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. अब वो जो डॉग था वो पीछे पीछे उसके हमेशा जाया करता था, सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ होता था, और वहाँ पे खेत में जो छोटे छोटे कीड़े होते थे उनको वो तंग नहीं करता था, उनको वो मारता नहीं था, जिससे कि ओल्ड मैन नहीं करता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स. अब आगे देखिए क्या हुआ. वन डे द डॉग came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन मुको भागा भागा अपने मालिक ओल्ड कपल के पास, ओल्ड आदमी के पास आया
और अपने पंजे उसके पैर पे उसने चलाए, और वो ऐसा कुछ दिखा रहा था कि पीछे कोई स्पॉट में उसने कुछ देखा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, इट डिड नॉट माइंड इट। पहले तो उस बूढ़े आदमी को लगा कि ये तो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, तो उसने ज़्यादा उस पर गौर नहीं करा कि वो क्या कहना चाह रहा है। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन वो जो मूको था वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, बार बार उसको हिला रहा था अपने मालिक को और भाग रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। फिर जब उसको समझ आया कि ये कुछ कहना चाहता है, तो उसने डॉग को फॉलो करा थोड़ी ही दूर में ऐसी जगह पर जहाँ पे डॉग ना स्क्रैच करने लग गया ज़मीन को, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और अ बिट ऑफ फिश। पहले तो उस आदमी को लगा कि ये इसलिए स्क्रैच कर रहा है ज़मीन की, इसने कोई फिश छोटी सी देखी हो या कोई छोटी सी हड्डी देखी हो तो ये खाना चाहता है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम फॉर हिम। लेकिन जब उसको थोड़ा सा और खोदा ज़मीन को, तो वहाँ पर सोने का खजाना उसको मिला, उस बूढ़े आदमी को। ग्लीम मीन्स चमकना, ग्लिटरिंग। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब कुछ ही घंटों में वो जो बूढ़े कपल थे जिनके पास इतना पैसा नहीं था, अब वो अमीर हो गए थे गोल्ड के मिलने के बाद। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। वो दोनों बहुत अच्छे थे, ओल्ड कपल जो थे दे वर वेरी नाइस पीपल। उन्होंने क्या करा, उन पैसों से एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, और उनके जो गंदे नेबर्स थे जो हमने पहले पढ़ा है, उनको काफ़ी कुछ दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो डॉग को बहुत उन्होंने प्यार करा क्योंकि उस डॉग की वजह से उनको खजाना मिला था। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब उसी ही गांव में थोड़ी ही दूर में एक और old couple रहता था, husband और wife। वो बहुत खराब लोग थे, wicked means जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए plans बनाते रहते हैं, जो गंदे nature के होते हैं। और वो ना कोई भी एनिमल आता या कोई भी डॉग उनके घर के पास से भी गुजरता तो वो उनको भगा देते थे या लात मार के उस जानवर को या डॉग को वहाँ से भगा देते थे, मतलब उनको एनिमल से प्यार नहीं था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोक्स द डॉग इनटू द गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब उनके मन में भी लालच आ गया जब उन्होंने ये सुना कि ओल्ड कपल जो है मूको के जो मालिक हैं उनको गोल्ड का खजाना मिला है, तो उन्होंने क्या करा, उसके डॉग को ले आए, यानी कि मूको को अपने साथ ले आए और छोटे छोटे मछली के टुकड़े उसको खाने को दिए और काफ़ी सारा टेस्टी फूड भी दिया, इस आशा में कि वो भी उनके लिए कोई गोल्ड का ट्रेजर ढूंढ लेगा। बट द डॉग बिहाइंड अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो जो डॉग था उन दोनों से इतना डरता था, ना तो वो वहाँ से हिला ना ही उसने कुछ खाया। देन द ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर लेय बीनीथ। अब उन्होंने क्या करा, जब डॉग ने कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया, उन्होंने उस डॉग को मूको को घसीट के वो लेकर आए एक पाइन ट्री के पास, और उनके हाथ में क्या थी, स्पेड थी, ज़मीन खोदने की जो टूल होता है वो बहुत पहनना होता है वो था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो डॉग था वो अपने पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा जैसे कि कोई वहाँ पे एक और खजाना उनको मिलेगा, पर खजाना तो कुछ था ही नहीं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। जब उसने देखा कि मूको ने ज़मीन स्क्रैच करनी शुरू कर दी है, तो जो गंदी वाइफ थी
उसने क्या करा, अपने हस्बैंड को बोला जल्दी दो मेरे को ये टूल दो, स्पेड दो. और शी व्हाट डिड शी डिड, वो उसमें लालच आ गया था तो वो खुशी के मारे डांस करने लगी. देन द कविटियस ओल्ड फेलो, कविटियस मीन्स ग्रीडी ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ व्हिच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज़ेस. और उसने जब खोदा उसको तो वहां पे कोई खजाना नहीं मिला, मरा हुआ एक बिल्ली मिली जिसकी स्मेल से उन्होंने अपने जो टूल्स थे वो फेंक दिए और अपनी नाक को बंद कर लिया क्योंकि उसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी मरी हुई बिल्ली की. ना उनको कोई खजाना मिला नहीं, उल्टा मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला. फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प फोर्क. अब देखो वो कितने गंदे लोग थे, उन्होंने क्या करा, उस कुत्ते की कोई गलती नहीं थी, उस डॉग की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस डॉग के ऊपर उनको इतना गुस्सा आया कि जो ओल्ड मैन ने उसको लात मारी और इतना मारा कि वो मूको की डेथ हो गई. और उस ओल्ड वुमेन ने क्या करा, उसकी गर्दन काट दी और उसको ज़मीन में गाड़ दिया, पाइन ट्री जो था उसके अंदर पास में उसके गाड़ दिया, एक होल बनाया और उसको अंदर गाड़ के ऊपर उसको ढक दिया. ओके, कार कैसे यानी कि डेड बॉडी को ढक दिया. नाउ द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. अब जो मालिक थे डॉग के, जब उनको उसकी डेथ का पता चला तो वो खूब रोए, उन बहुत दुखी हुए और उनको पता चला कि पाइन ट्री के पास उसको दफनाया गया है, तो वो रात को वहाँ पे गए पाइन ट्री के पास. ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, देन ही पुट लीड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. उसकी जो कब्र थी जहाँ पे उसको दफनाया गया था मूको को, उन्होंने क्या करा, साफ करा उसको, उसके जगह को और उसके जो टूम हो गया ना, जैसे कब्र को हम क्या बोलते हैं टूम्स, उस पर फ्लावर चढ़ाए और इंसेंस यानी कि जो अगरबत्ती है वो जलाई. ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. और वो वहाँ पे बैठ के उसको याद करके रोने लगे और उसको कई नामों से बुलाने लगे जैसे कि वो अभी भी जिंदा है. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेट कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस. उस दिन रात को वो जो बूढ़ा आदमी था उसके सपने में वो डॉग आया और वो सपने में बोल के गया कि इस पाइन ट्री को काट दो और इसके इस उस पाइन ट्री से क्या बनाओ, तुम एक बाउल बनाओ यानी कि कटोरी बनाओ एंड राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस. ये चीज़ें बनाओ, सॉस बनाओ, राइस पेस्ट्री बनाओ और एक छोटा सा बाउल बनाओ जिसमें तुम खाना खा सको. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक्स ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिसेल ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल. तो उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने वैसे ही करा जैसे कि डॉग उसके सपने में बोल के गया था. उस आदमी ने, ओल्ड मैन ने क्या करा, पेड़ को काटा, बीच में से जो तना था ट्रंक था उसके 2 parts करे और खूब मेहनत से उसने क्या करा, एक स्मॉल बाउल बनाया. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्स हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस. फिर उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया उससे जिससे चावल डाल सकते हैं. पाउंडिंग राइस मीन्स क्रशिंग या ग्राइंडिंग राइस. उसने एक ऐसी चीज बनाई. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. जब नया साल पास में आने वाला था, उन्होंने सोचा कि कुछ टेस्टी राइस पेस्ट्री बनाई जाए, चावल से कोई पेस्ट्री बनाई जाए. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar
The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into the heap of gold coins. When the old woman took the handmill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. यानी कि जब वो राइस पेस्ट्री बनाने की सब तैयारी कर रहे थे, जो प्रोसेस था राइस पेस्ट्री बनाने का, वो जब उसने उन्होंने प्रिपरेशन करी, तो जब बनाना ही लगे तब देखा कि सारी चीज़ें वो तो वहाँ पे गोल्ड की हो गई हैं, यानी कि उनको और गोल्ड मिल गया. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब वो जो गंदे नेबर थे जिन्होंने मुको को मारा था, वो खिड़की से झांक रहे थे और उन्होंने ये देखा कि जो उबले हुए बीन्स हैं उनको ग्राउंड करा जा रहा है, यानी कि क्रश करा जा रहा है. गुड इवनिंग, क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. तो जो भी वो प्रोसेस करते वो गोल्ड में बदलता जा रहा था और ये लोग सारा कुछ खिड़की में से, विंडो में से झांक रहे थे. तो कहती है, ओ माय गॉड, देखो सॉस जो है वो येलो गोल्ड में बदल रही है और जो टब है वो थोड़ी देर में पूरा गोल्ड से भर गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरो द मोटर एंड मैजिक मिल. अगले दिन ही अब वो ओल्ड कपल दोबारा से अमीर हो गए थे. अगले दिन ही वो जो गंदे थे, विकेट और कंजूस नेबर थे, वो आए. उन्होंने मोटर और मैजिक मिल जिससे जो गोल्ड बनना था वो उन्होंने उनसे बोरो कर लिया, इस आशा में कि वो भी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी अमीर हो जाएंगे. दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. उन्होंने क्या करा, एक बर्तन में तो बॉइल्ड राइस कर दिए, दूसरे में बीन्स डाली. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. और वही प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करा वो जो ओल्ड कपल ने करा था. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वॉर्म्स. लेकिन उनके साथ उल्टा ही हो गया, गोल्ड की जगह जो चीज़ें वो बना रहे थे वो कीड़ों में टर्न हो गई, बदल गई. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड. ठीक है, जब वो सब कीड़े में बदल गई तो दोबारा उनको गुस्सा आया. उन्होंने क्या करा, जो मिल थी उसको पीसेस में काट के उसको फायरवुड यानी कि जलाने के काम में ले लिया. सो टुडे वी विल रीड अप टू हियर एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 2. थैंक यू.